दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे हमारी पोएम जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप की थी, ऑन द सीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर जो है पोएम विलियम कूपर की, हमने यहाँ पर स्टॉप की थी पिछली बार कि नॉट स्कॉर्न इन हेवन दो लिटिल नोटिस्ड हियर, के आगे से हम स्टार्ट करेंगे आज। कुल टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स्ड रिस्टोर द आवर्स व्हेन प्लेइंग विद दाई वेस्टर्स टू शूट फ्लावर्स। तो जो राइटर है ना, पोएट है, वो बोल रहे हैं कि कुल टाइम कि काश टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स्ड, यानी टाइम अपनी उड़ान को उल्टी भर लेता, यानी उल्टी उड़ान भरना शुरू हो जाता, यानी टाइम वापस से पास्ट में चला जाता, यानी पास्ट का टाइम वापस लौट आता। रिस्टोर द आवर्स यानी कि पुराने घंटे वापस लौट आते, यानी पुराना समय वापस लौट आ जाता। व्हेन प्लेइंग विद दाई वेस्टर्स शूट फ्लावर्स, उस समय को लौटा देता जब पोएट बोल रहा है खुद के बारे में कि मैं क्या करता था, प्ले खेलता था विद दाई वेस्टर्स शूट फ्लावर्स, यानी कि मैं तुम्हारे कपड़े के फूलों से खेलता करता, मतलब उसकी मदर के जो ड्रेस है उस पर कुछ फूल बने हुए हैं, है ना, उनसे खेलता था। कैसे, मतलब एक्चुअली वो उन फूल को कॉपी करने की कोशिश करता था, खुद पेपर के टिश्यू के फ्लावर बनाता था उनको देख के, टिश्यू के फ्लावर, टिश्यू पेपर होता है ना उसके फ्लावर बनाता था। वेस्चर यानी कपड़ा, ये वेस्चर है ना, यानी कपड़ा, यानी जो क्लॉथ उसकी मदर ने पहन रखा था, उनकी क्लॉथिंग्स, उन क्लॉथिंग्स पे जो फ्लावर बने थे उनके टिश्यू फ्लावर बनाता था। द वॉयलेट पिंक जैस्मिन कलर के, वॉयलेट कलर के, पिंक कलर के, जैस्मिन कलर के, मतलब ऐसे ये सब फ्लावर बनाता था वो। आई प्रिक दैम इन टू पेपर विद ए पिन, और फिर उनको मतलब एक पिन से चुबोता, मतलब इकट्ठा करता, एक पिन में चुबो के फूलों को इकट्ठा करता। तो इस चीज़ पे क्या वो बोल रहा है कि इस जब मैं ये हरकतें करता तो क्या होता, एंड यू वॉज हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल, तो अपनी माँ के लिए बोल रहा है कि तुम मुझसे ज़्यादा मतलब उस वक्त खुश होता थी जब मैं ऐसी हरकतें करता था, तो तुम मुझसे भी ज़्यादा खुश होती थी, मतलब मैं तो खुश होता था ऐसी हरकतें करके, परंतु तुम मुझसे भी अधिक प्रसन्न होती थी मेरी ऐसी हरकतों को देख के। वुड सॉफ्टली स्पीक एंड स्ट्रोक माई हेड स्माइल, और तुम बहुत प्यार से बोलती थी एंड स्ट्रोक माई हेड एंड स्माइल, और मेरा सिर मतलब प्यार से थपथपाती थी और स्माइल करती थी। कुड दोज फ्यू प्लीजेंट आवर्स अगेन अपीयर, तो वो आशा कर रहा है कि काश वो खुशनुमा घंटे वापस आ जाए, यानी खुशनुमा समय वापस आ जाए, अगेन अपीयर यानी दोबारा आ जाए। माइट वन विश ब्रिंग देम, वुड आई विश देम हेयर, अगर कोई ऐसा कर सके, माइट वन विश ब्रिंग देम, अगर मेरी कोई एक इच्छा ऐसी, मतलब मेरी मैं ऐसी कोई विश करूँ कि वो टाइम वापस आ जाए, अगर वैसा हो सके तो वुड आई विश देम हेयर, तो क्या मैं चाहूँगा कि वो टाइम सही में वापस आ जाए, मतलब अगर ये पॉसिबल हो सके तो क्या मेरी किसी विश से वो टाइम वापस आ जाए, ये ऐसा पॉसिबल हो सके तो क्या मैं सही में चाहूँगा कि मेरी ऐसी कोई इच्छा पूरी हो। आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, तो बोल रहा है कि मैं अपने दिल पर भरोसा नहीं कर सकता। किस बारे में, द डियर डिलाइट सीम्स सो टू बी डिजायर्ड, मतलब मेरा दिल तो चाहता है कि डियर डिलाइट, मतलब मेरी दिली इच्छा है, मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। आई सीम्स सो टू बी डिजायर्ड, क्योंकि ये तो मेरी दिली इच्छा रही है, मतलब डिजायर है, मेरी इच्छा रही है कि मेरी दिली इच्छा रही है, बहुत प्रिय इच्छा है मेरी कि मैं तो चाहूंगा कि वो टाइम वापस आ जाए। पर एप्स आई माइट, मतलब बोल रहा मुझे मेरे दिल भरोसा नहीं है, मेरा दिल तो कह सकता है कि हाँ भाई वापस वो टाइम आ जाए, पर एप्स आई माइट, बट नो, परंतु नहीं, तो बोल रहा नहीं, मेरी दिल मतलब मुझे मेरे दिल पे भरोसा नहीं है, मेरा दिल तो चाहेगा कि हाँ वापस आ जाए वो टाइम, पर नहीं। वॉट हेयर वी कॉल आर लाइफ इज सच सो लिटिल टू बी लव्ड, एंड तो बता रहा है कि पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, क्यों, वॉट हेयर वी कॉल आर लाइफ इज सच, क्योंकि आज हम जिस जिंदगी को अपनी जिंदगी बोलते हैं ना, हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, वो जिंदगी एक्चुअली में है कैसी, सो लिटिल टू बी लव्ड, उस जिंदगी में बहुत कम प्यार है, प्यार कितना है, बहुत कम है। एंड यू सो मच दैट आई शुड इल रिक्वायर्ड दी टू कंस्ट्रेन द अनबाउंडेड स्पिरिट इनटू बॉन्ड्स अगेन, तो बता रहा है कि देखो मेरे दिल पे मुझे भरोसा नहीं है, मेरा दिल तो चाहेगा कि तुम वापस लौट आओ, वो समय लौट आए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आज की जिंदगी है ना, वॉट हेयर वी कॉल आवर लाइफ इज सच, कि आज की हमारी जिस मतलब जिस लाइफ को हम लाइफ बोलते हैं ना, वो लाइफ एक्चुअल में है कैसी, उसमें बहुत कम प्रेम है, सो लिटिल टू बी लव्ड, ऐसी लाइफ को हम पसंद नहीं करते हैं, ये लाइफ प्रिय नहीं है मुझे किसी भी तरीके से। यू सो मच दैट आई शुड इल रिक्वायर्ड दी टू रिस्ट्रेन, मतलब और तुम तो इतनी प्यारी थी, मतलब तुम तो प्यार से भरी हुई थी, कहने का मतलब ये है, तो आई शुड इल रिक्वायर्ड, तो ये मेरी बेकार गलत इच्छा होगी, इल रिक्वायर्ड मतलब ये मेरी गलत इच्छा होगी, मैं बुरा चाहूंगा अगर ऐसा सोचूंगा तो, कि तुम्हें कंस्ट्रेन दाई अनबाउंडेड स्पिरिट इन टू बॉन्ड्स अगेन, बोल रहा है कि जो तुम्हारी आत्मा है वो अनबाउंडेड स्पिरिट है, अब क्या है वो आत्मा अब किसी बंधनों में बंधी भी नहीं है, अनबाउंडेड है मतलब आजाद है, तो उनको वापस से बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है रिश्ते नाते, इनमें वापस से बांधना मैं नहीं चाहूंगा, इनमें वापस बांधना मैं नहीं चाहूंगा। देखो
बात यही है कि अगर वो वापस अपनी मदर को वापस बुला लेता है तो उस सीन में क्या होता है, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि उसकी माँ वापस लाइफ में लौट आती है, वापस से वही ज़िंदगी इन्हीं आज के टाइम में लौट आएगी जहाँ पर बहुत दुख दर्द है, लाइफ अच्छी नहीं है। तो वो तो आज़ाद हो चुकी है दुख दर्दों से, वो तो अब स्वर्ग में जा चुकी है। तो मैं क्यों चाहूँगा कि वापस वो रिश्तों में बन जाए, वापस वो बॉन्ड्स में, वापस बेड़ियों में बन जाए, वो ज़िंदगी की बेड़ियों में क्यों बंधे? वो तो आज़ाद हो चुकी है। तो अगर मैं ऐसा चाहूँगा तो गलत चाहूँगा, इल रिक्वायर्ड नहीं, मैं गलत चाहूँगा। अगर मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा चाहूँगा तो मैं गलत इच्छा करूँगा। इसलिए मुझे मेरे दिल पर भरोसा नहीं है। मेरा दिल तो चाह सकता है कि हाँ वो वापस आ जाए, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। यू एज ए गैलेंट बार्क फ्रॉम एल्बियंस कोस्ट, वो राइट, तुम क्या हो? यू एज ए गैलेंट बार्क, तुम एक बहुत ही बहादुर शिप, बार्क मतलब शिप, फ्रॉम एल्बियंस कोस्ट। एल्बियन इंग्लैंड को ही बोलते थे पहले के टाइम में, तो मतलब तुम एल्बियन के कोस्ट, इंग्लैंड के तट से निकला हुआ एक बहादुर जहाज के समान हो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत सी इमेज क्रिएट हो रही है। इमेज कैसी है? देखो इमेज है, इमेज ऑफ अ शिप, एक शिप की इमेज बन रही है यहाँ पर। कैसे? देखो, द स्टॉर्म्स ऑल वेदर एंड द ओशंस क्रॉस्ड, यू एज ए गैलेंट बार्क फ्रॉम द एल्बियन कोस्ट, यहाँ पढ़ लिया, द स्टॉर्म्स ऑल वेदर्ड एंड द ओशन क्रॉस्ड शूट्स इनटू द पोर्ट सम वेल हेवेंड आइसल। तो यानी तुम एक ऐसा बहादुर जहाज हो जो इंग्लैंड की तट से निकल चुका है और कहाँ पहुँच गया है? इनटू पोर्ट, एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह पे पहुँच गया है। कैसे? वेल हेवेंड आइसल, यानी एक ऐसे बंदरगाह पे पहुँच गया है मतलब जो समृद्ध आइलैंड है, सॉरी एक ऐसे आइलैंड पे पहुँच गया है मतलब एक समृद्ध आइलैंड पे पहुँच गया है। एक ऐसा जहाज हो तुम तो, मतलब उस जहाज के समान हो। यानी एक इमेज क्रिएट कर रहा है राइटर यहाँ पे अपनी मदर की करंट परिस्थिति, जो उसकी करंट स्टेट है। करंट स्टेट क्या है? वो हेवन में बैठी हुई है, स्वर्ग में बैठी हुई है, ठीक है? उनकी जो करंट स्थिति है ना, उसकी तुलना किससे की जा रही है? एक ऐसे जहाज से की जा रही है जो अपनी लंबी यात्रा पे निकला, इंग्लैंड के तट से निकला, सारे तूफानों को क्रॉस करके, द स्टॉर्म्स ऑल वेदर्ड एंड ओशन क्रॉस, सारे मतलब महासागरों को क्रॉस करके प्लस सारे तूफानों को झेलते हुए, है ना, वो कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा एक ऐसे बंदरगाह पे जो बंदरगाह कहाँ स्थित था? वेल हेवेंड आइसल, यानी कि एक आइलैंड पर, एक आइलैंड जिसपे सब कुछ चीजें हैं, सब चीजें हैं। कैसा आइलैंड है? जहाँ पर स्पाइसेस ब्रीथ, जहाँ पर मसालों की खुशबू आती है, ब्राइटर सीजन्स पाए, हमेशा अच्छे मौसम मुस्कुराते हैं। देखो ऐसा इंग्लैंड की जब राइटर कोई चीज लिखते हैं ना, वो कोई खुशनुमा अवस्था की मतलब स्टेट की कल्पना करते हैं, तो हमेशा उसमें उनके सीजन जरूर आएगा कि अच्छे चमचमाते सीजन हो, यानी मौसम अच्छे हो। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है, ज्यादातर टाइम क्या रहती है? कोल्ड, ठंड रहती है, विंटर आते हैं उनके लिए। विंटर एक बहुत बुरा मौसम है। एक फेमस लाइन भी है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि अगर क्या बोलते हैं, कह सकते हो आप कि अगर सर्दियां आ गई हैं तो स्प्रिंग भी ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि ये बुरा समय चल रहा है, कोई बात नहीं, पर जल्दी ही अच्छा समय आने वाला है। स्प्रिंग यानी क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु को वो अच्छा समय मानते हैं। उस वक्त सब मतलब गर्माहट जाती है मौसम में, फूल पत्तियां खिल जाते हैं इस तरह से। और विंटर जो होता है उनके लिए बुरा समय, बहुत ही संकट वाला समय मानते थे। इसलिए राइटर्स हमेशा ब्राइटर सीजन यानी अच्छे खिले हुए मौसम उनकी कामना करते थे। तो जब भी किसी अच्छी जगह की वो कल्पना करते थे तो हमेशा उसमें ब्राइटर सीजन होता था। इंग्लैंड के राइटर्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा मतलब वो जहाज, जिस जहाज की तुलना की जा रही है उसकी मदर की स्टेट से, वो जहाज एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच गया, ऐसे बंदरगाह पहुंच गया जहां पर बहुत खुशबूदार मतलब मसालों की खुशबू आती है हवा में, जहाँ पे ब्राइटर सीजन स्माइल, हमेशा चमचमाते मौसम है। देयर सिट्स क्विसेंट ऑन द फ्लड्स, और वहाँ पे वो जहाज, क्विसेंट यानी शांत मौसम, शांत मतलब एकदम शांत अवस्था में, वहाँ वो जहाज शांत अवस्था में खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ऑन द फ्लड्स यानी पानी के ऊपर खड़ा है। दैट शो हर ब्यूटियस फॉर्म रिफ्लेक्टेड क्लियर ब्लो, और उस सुंदर जहाज की फॉर्म आकृति को देखा जा सकता है। सुंदर आकृति को कहाँ देखा जा सकता है? रिफ्लेक्टेड क्लियर ब्लो यानी कि नीचे क्या बोलते हैं, नीचे देखा सकता है, नीचे मतलब पानी में उसकी परछाई देखी जा सकती है क्लियरली। वाइल एयर्स इम्प्रेगनेटेड विद इंसेंस प्ले, और हवा में क्या भरी हुई है? एयर्स इम्प्रेगनेट, इम्प्रेगनेट मतलब भरा हुआ है। हवा किस चीज़ से भरी हुई है? इंसेंस प्ले, खुशबू से भरी हुई है, मतलब बहुत ही प्यारी खुशबू से भरी हुई है। अराउंड हर फैनिंग लाइट हर स्ट्रीमर्स के, अराउंड हर मतलब जहाज के चारों ओर, फैनिंग लाइट हर स्ट्रीमर्स के, और क्या बोलते हैं, बहुत ही प्यारी रोशनी निकल रही है, मतलब बहती हुई रोशनी पड़ रही है वहाँ पे, अच्छा चमचमाता मौसम है, रोशनी अच्छी आ रही है। तो
ये एक पूरी इमेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी एक इमेज क्रिएट हो रही है एक जहाज की, जो एक मतलब सारी मुसीबतों क्रॉस करके एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर अब एक बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वातावरण है, खुशबूदार हवा है ना, तो उस तरह का उसको वातावरण मिल गया, मतलब ऐसी जगह पहुंच गया है। तो उसकी माँ की अवस्था भी ऐसी कि जिंदगी की सारी मुसीबतों को झेल के पार करके फाइनली वो स्वर्ग में जाके पहुंच गई है। इमेज आपके समझ में आ गई होगी मैं क्या बता रहा था, ठीक है? तो इमेज क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो फिर आगे बोलता है कि हाँ, सो यू विद सेल्स हाउ स्विफ्ट हैज रीच द शोर। अब वो अपनी मदर के बोल रहा है कि तुम भी विद सेल्स हाउ स्विफ्ट, मतलब तुम भी अपने जहाज में यात्रा करते हुए बहुत आराम से हैज रीच द शोर, किनारे पे पहुंच गई हो। किनारा कौन सा? स्वर्ग का किनारा। कौन सा किनारा? हेवन का किनारा, वहां पहुंच गई हो। वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट नॉर बिलोज रोर, और जहां पे टेम्पेस्ट मतलब तूफान, जहां पे तूफान ना तो तूफान के थपेड़े तुम्हें पीट सकते हैं और ना ही वेव्स, बिलोज मतलब वेव्स, लहरें, लहरों की गड़गड़ाहट तुम्हें डरा सकती है, परेशान कर सकती है, यानी वहां तूफान या लहरों की गड़गड़ाहट तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगी, तुम ऐसी जगह पहुंच गई हो। और साथ में आगे, एंड दाई लव्ड कॉन्सॉर्ट ऑन द डेंजरस टाइड, और जो तुम्हारा लव्ड कॉन्सॉर्ट का मतलब यहाँ पे कॉन्सॉर्ट मतलब साथी, मतलब साथ में आपका जो पार्टनर है यानी हस्बैंड, तो एंड दाई लव्ड, और तुम्हारा जो प्रिय पार्टनर है कॉन्सॉर्ट है ऑन द डेंजरस टाइड, वो भी इस खतरनाक यात्रा टाइड लहरों के ऊपर, जिंदगी ऑफ लाइफ मतलब तुम्हारा जो प्रिय कॉन्सर्ट, तुम्हारा प्रिय साथी, यानी कि उसका खुद की फादर की बोल रहा है कि तुम मेरा फादर है, तुम्हारा प्रिय कॉन्सर्ट है, तुम्हारा प्रिय साथी, तुम्हारा हस्बैंड, वो भी इन डेंजरस टाइड्स, इन खतरनाक लहरों के ऊपर, जिंदगी की खतरनाक लहरों के ऊपर, लॉन्ग सिंस हैज एंकर्ड एट दाई साइड, बहुत लंबे समय से तुम्हारी तर साथ में पूरे कंधे से कंधे मिला के इसको मतलब पार करने में मदद कर रहा था। हैज एंकर्ड एट दाई साइड का मतलब है कि तुम्हें, तुम्हारा जो जहाज है उसको संभाले हुए था, मतलब वो भी, यानी कि तुम्हारा जो साथी है वो भी जिंदगी की इन खतरनाक लहरों के ऊपर बहुत लंबे समय से तुम्हारे बगल में खड़ा होके संभाल रहा था, एंकर कर रहा था जहाज को, दिशा दे रहा था। बट मी, परंतु मैं, स्कार्स होपिंग टू अटेन दैट रेस्ट, वो आज भी उम्मीद कर रहा है, स्कार्स होपिंग मतलब मेरे बहुत कम उम्मीद है, मैं बहुत कम आशा है, मतलब मैं निराश हो चुका हूँ, आज भी उस इच्छा की मतलब उस रेस्ट की अवस्था को प्राप्त करने में मतलब मुझे कामयाबी नहीं मिली है जिसमें तुम पहुंच गई हो। मैं निराश फील कर रहा हूँ, निराशा मुझे छा गई है, मतलब मैं निराश निराशा से भरा हुआ हूँ। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विद हेल्ड, और हमेशा मैं किनारे मतलब पोर्ट बंदरगाह से लौट आता हूँ, यानी मुझे वो यात्रा करने का मौका नहीं मिलता, मतलब मैं जिंदगी खत्म नहीं हो रही, मतलब मुझे मृत्यु मिल नहीं रही जिसके बाद में मैं उस यात्रा को करूंगा और तुम्हारे पास पहुंचूंगा, हमेशा मैं बंदरगाह तक ही पहुंच पाता हूँ और वहां से लौट आता हूँ। यानी जिंदगी में बहुत सी ऐसी मुसीबत आती है जिनमें ऐसा लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, परंतु खत्म होती नहीं है, मैं बंदरगाह से लौट आता हूँ। देखो एक और इमेज कितनी बढ़िया से क्रिएट की है उन्होंने ना, ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, हमेशा कैसे रहता हूँ मैं अवसाद में डूबा हुआ, मी हाउलिंग विंड्स ड्रोव डिवियस, और गड़गड़ाती जो हवाएं हैं वो मुझे भटका रही हैं, ड्राइव डिवियस मतलब मुझे भटका रही हैं, डिवियस का मतलब होता है इधर उधर। तो देखो हाउलिंग विंड्स का मतलब यहाँ पर है हवाएं नहीं होती, ऐसी जिंदगी की मुसीबतों के लिए बोल रहा है ये, जब हाउलिंग विंड्स है ये क्या है, दीज आर ट्रबल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के संकट हैं। टेम्पेस्ट टॉस्ड, तूफान ने मुझे उछाल दिया है, यानी जिंदगी की मुसीबतों ने मुझे उछाल दिया है, हवाओं ने मुझे भटका दिया है, तूफान ने उछाल दिया है। सेल्स रिप्ट, मेरे जहाज की जो पतवार है ना वो फट गई है। सीम्स ओपन्ड वाइड, और ऐसा लगता है फटके बिल्कुल चौड़ी हो गई है। एंड कंपस लॉस्ट, और मुझे मेरा दिशा सूचक यंत्र है, कंपस है, वो भी खो गया है, मतलब मेरी जिंदगी कोई दिशाहीन हो गई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, मुसीबतों ने मुझे इधर उधर फेंक दिया है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई दिशा नहीं है। एंड डे बाई डे सम करंट थ्वार्टिंग फोर्स सेट्स मी मोर डिस्टेंट फ्रॉम द प्रॉस्परस कोर्स, और दिन प्रतिदिन, डे बाई डे मतलब दिन प्रतिदिन कोई ऐसी करंट आ जाती है, कोई ऐसी लहर आ जाती है, थ्वार्टिंग फोर्स, ऐसी शक्तिशाली फोर्स, थ्वार्टिंग फोर्स का मतलब है कि वही जिंदगी की मुसीबत सब ये उनसे रिलेटेड है कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना ये सब उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा है कि दिन प्रतिदिन कोई ना कोई करंट यानी कोई ना कोई ऐसी लहर आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कोई कोई ना कोई ऐसी शक्ति आ जाती है जो क्या करती है, सेट्स मी मोर डिस्टेंट फ्रॉम ए प्रॉस्परस कोर्स, यानी एक समृद्ध रास्ते की तरफ बढ़ने से मुझे रोक देती है और मुझे कहीं दूर फेंक देती है। सेट्स मी मोर डिस्टेंट यानी मुझे कहीं और दूर फेंक देती है, किसी समृद्ध रास्ते की तरफ बढ़ रहा होता हूँ परंतु मुझे दूर फेंक देती है, यानी मैं
सुकून की लाइफ की तरफ बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ शायद मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाए, तो परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और मुझे उस शांति के रास्ते से कहीं दूर फेंक देती है। तो अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों का चित्रण कर रहा है एक तरह से। देखो यहाँ से जो पूरा ये है ना, इतना लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक्चुअली एक और इमेज क्रिएट हो रही है। ये इमेज किस चीज़ की है? ये इमेज है एक्चुअली स्ट्रगल, स्ट्रगल ऑफ पोइट, पोइट का स्ट्रगल, एंड कह सकते हो आप अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की तरफ सारा कर रहा है, इनकी इमेज बन रही है पूरी ये। और एक्चुअली इन्हीं चीज़ों की वजह से पोइट बोल रहा है कि मैं, मतलब वो भी उम्मीद कर रहा है, होपलेस हो गया एक्चुअली उम्मीद कर करके कि मुझे वो अवस्था अभी तक नहीं मिली जिस अवस्था में मेरी माँ मेरे पापा पहुँच गए हैं। ओ बट ओ द थॉट दैट यू आर सेफ एंड ही, परंतु फिर वो बोल रहा है कि ओ ये विचार, जब ये विचार आता है, कौन सा विचार? दैट यू आर सेफ, कि तुम तो सुरक्षित हो कम से कम। कौन? अपनी माँ के लिए बोल रहा है कि तुम तो कम से कम सेफ हो, एंड ही, और वो भी सेफ है, यानी अपने फादर के लिए। कि मैं जब ये सोचता हूँ कि मेरे अंदर ये विचार आता है, थॉट आता है कि तुम सेफ हो और वो भी सेफ है, दैट थॉट इज जॉय, तो वो विचार आते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जॉय अराइव व्हाट मे टू मी, मतलब वो सोचता है कि कम से कम वो सोच के, मतलब जब भी थॉट्स के पास में आता है, पहुंचता है, अराइव होता है, तो वो खुश हो जाता है सोच के कम से कम वो तो सुरक्षित हैं। माई बोस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूस माई बर्थ फ्रॉम लॉयंस एंड थ्रोल्ड। फिर आगे बोल रहा है कि मैं इस बात पे घमंड नहीं करता। बोस्ट मतलब घमंड करना, किसी चीज़ पे गर्व करना। तो मतलब वो बोल रहा है कि मैं इस बात पे घमंड नहीं करता हूँ कि आई डिड्यूस माई बर्थ फ्रॉम लॉयंस एंड थ्रोल्ड एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, कि मेरा जो जन्म है ना, मतलब मेरे जो पूर्वज हैं, रिड्यूस माई बर्थ, मेरे जन्म का लिंक यानी संबंध किससे है? मतलब लॉयंस एंड थ्रोन्ड एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, मतलब राजा महाराजाओं के खानदान से, कहने का मतलब जिन्होंने इस अर्थ पे राज किया है, मैं ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ, इस बात में मुझे कोई घमंड नहीं है। एक्चुअली वो ऐसे खानदान से बिलोंग कैसे करता था? उसकी जो मदर थी ना, मदर ऐसी फैमिली से थी जो कि रिलेटेड थी हेनरी थर्ड राजा था, हेनरी थर्ड राजा था ना इंग्लैंड का, उससे रिलेटेड थी उसकी मदर एक्चुअली, इसलिए वो दूर से उसका संबंध था एक तरीके से कि वो भी राजाओं के खानदान से बिलोंग करता है। तो उसके ऊपर बोल रहा है कि मुझे उस बात पे कोई घमंड नहीं है कि मैं राजाओं के खानदान से बिलोंग करता हूँ। बट हायर फार माई प्राउड प्रिटेंशन राइज, पर द सन्स ऑफ पेरेंट्स पास इनटू द स्काईज। तो जब भी, मतलब कितना ही मैं, मतलब इस बात पे गर्व कर लूँ, कितना मैं इस बात पे प्राउड प्रिटेंशन राइज, मतलब कितना ही मुझे इस चीज़ पे घमंड हो, गर्व हो, सच तो यही है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो क्या चले गए? पास इन द स्काईज, वो आसमान में चले गए, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है ज़िंदगी में। जो आप ये आपकी अचीवमेंट हो, चाहे आपने, आप किसी भी खानदान से बिलोंग करते हो, कितना भी पैसा कमा लिया हो, कुछ भी कर लिया हो लाइफ में, आपको किसी चीज़ पर कितना भी घमंड हो, परंतु बोल रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, इस बात को नकार नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स अब चले गए हैं मुझे छोड़ के, और मैं अकेला हूँ, मतलब ज़िंदगी में, कहने का मतलब ये है। एंड नाउ फेयरवेल टाइम अनरिवोक्ड हैज़ रन हिज वॉन्टेड कोर्स। तो बोल रहा है अब फेयरवेल का समय है, यानी अलविदा कहने का समय है। टाइम अनरिवोक्ड, परंतु मैंने टाइम को पलटा नहीं। अनरिवोक्ड मतलब लौट के नहीं आया टाइम। फेयरवेल होगा, मतलब हो रहा है, मतलब एक तरह से वो अपनी कविता फिनिश कर रहा है, वो उस पेंटिंग तो हमेशा उसके पास में रहेगी, अब कोई बात नहीं हो तो, परंतु वो एक तरह से यहाँ फेयरवेल कर रहा है अपने पेरेंट्स को, और बोल रहा है कि पर टाइम अनरिवोक्ड, समय वापस लौट के नहीं आया, हैज़ रन इज वॉन्टेड कोर्स। वो अपने वॉन्टेड कोर्स का मतलब यूजुअल कोर्स, यानी कि जो रास्ते पे समय को चलना है वो उस रास्ते पे चल रहा है। एंड येट वॉट आई विश इज डन, और जो मैं इच्छा कर रहा था वो भी पूरी हो गई। देखो एक तरफ वो बोल रहा था कि काश वो समय लौट के आ जाए, परंतु फिर बोला कि मैं ऐसी इच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी माँ को फिर वापस लौट के इसी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो वो यहाँ पर यहाँ के दुख दर्दों को झेलेगी। तो वो ऐसा बोल रहा है कि ठीक है, फेयरवेल करने का समय आ गया, परंतु मैं खुश हूँ कि मैंने टाइम को बदला नहीं, मतलब मेरी इच्छा ऐसी नहीं रही कि मैं टाइम को लौटा दूँ, वापस लौट के आ जाए टाइम। टाइम अनरिवोक्ड है, अभी भी वो चल रहा है वैसे ही, और साथ में मतलब टाइम ने अपना कोई कोर्स, अपना कोई रास्ता नहीं बदला, वो वैसा का वैसा ही चल रहा है। और इन सब के बावजूद मेरी इच्छा भी पूरी हो गई है, मतलब मेरी मदर से जो मिलने की इच्छा थी ना, वो भी पूरी हो गई है। कैसे? तस्वीर के थ्रू, बाय कंटेम्पलेशंस हेल्प, यानी कि जो इमेजिनेशन की मदद से। कंटेम्पलेशन मतलब सोच विचार करना, कि इमेजिनेशन की मदद से उसकी इच्छा पूरी हुई है। इमेजिनेशन नॉट सॉट इन वेन, आई सीम टू हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड ओवर अगेन। तो बोल रहा है कि मैंने इमेजिन कर लिया है, मतलब क्योंकि उसको जो तस्वीर मिली है, उस तस्वीर को देख के उसने अपना पूरा बचपन वापस से इमेजिन कर लिया, उसकी अपने माँ की यादें वापस से इमेजिन कर ली हैं, इसलिए बोल रहा है नॉट सॉट इन वेन, तो व्यर्थ नहीं गई मतलब मेरी इमेजिनेशन, मैं वापस मैंने जी लिया अपना बचपन, कहने का मतलब यह है।
आई सीम टू हैव लिव्ड माई चाइल्ड हुड ओवर अगेन, मतलब मैंने अपने बचपन वापस से जी लिया है अब इस तस्वीर को देख के, अपनी माँ की यादों को यादों को ताजी ताज़ा करके। टू हैव रिन्यूड द जॉयज दैट वंस वर माइन, मैंने वापस से रिन्यू यानी वापस से नया कर लिया है उन जॉयज को, उन आनंदों को, दैट वंस वर माइन, जो एक बार कभी मेरा हुआ करते थे, यानी जो आनंद कभी बचपन में मेरे हुआ करते थे, जो जॉय मेरे हुआ करते थे, उन जॉय को मैंने वापस से नया कर लिया है, यानी मतलब वापस प्राप्त कर लिया है, वापस से मैंने जी लिया है, विदाउट द सिन ऑफ वायलेटिंग टाइम, और ये सब किया मैंने बिना वो पाप किए, तुम्हारे जॉय को यानी तुम्हारे जॉय यानी तुम्हारे आनंद को भंग किए बिना, यानी किसके आनंद को, अपनी मदर के आनंद को, अपनी मदर के जॉय को उसने क्या नहीं किया है, वॉयलेट नहीं किया है। वॉयलेट का मतलब होता है भंग करना, यानी कि उसकी मदर आज भी स्वर्ग में है, उसको मतलब मैंने ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई कि वो लौट के मेरे पास में आ जाए और खुद के मतलब ऐशो आराम को छोड़ के वापस से इस दुख भरी दुनिया में आ जाए, तो उसका जॉय भी बर्बाद नहीं हुआ, वो भी अच्छी मतलब हेवन में है, वहीं बैठी हुई है, और मैं उससे मिल भी पाया हूँ इस तस्वीर के थ्रू, तो मेरी इच्छा भी पूरी हो गई और मैंने मेरी माँ के आनंद को भंग भी नहीं किया, समझे। तो एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री, और फैंसी के विंग्स तो हमेशा फ्री हैं, फैंसी मतलब इमेजिनेशन और विंग्स मतलब पंख, यानी इमेजिनेशन यानी कल्पना के जो पंख है वो तो हमेशा फ्री है, मतलब मैं इस तस्वीर को देख के हमेशा कल्पना कर सकता हूँ मेरी माँ के बारे में। एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक शू ऑफ दी, मतलब मैं तुम्हारी इस मिमिक, मिमिक मतलब कॉपी, यानी उस तस्वीर के लिए बोल रहा है ये तुम्हारी कॉपी है, तो मतलब आई कैन व्यू, मैं देख सकता हूँ इस कॉपी को, इस तस्वीर को, शू ऑफ दी मतलब तुम्हारी ये जो तस्वीर है इसे मैं कभी भी देख सकता हूँ। टाइम हैज बट हाफ सक्सीडेड इन इस थेफ्ट, टाइम सक्सेसफुल तो हुआ है पर आधा ही सक्सेसफुल हुआ है चोरी में, यानी उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया है, अपनी माँ के लिए बोल रहा है कि टाइम ने चोरी कर ली है, मेरी माँ की चोरी कर ली है मुझसे, परंतु वो आधा ही सक्सेसफुल हुआ है इस चोरी में। क्यों, दाई सेल्फ रिमूव्ड, दाई पावर टू सूथ मी लेफ्ट, तुम तो मेरी जिंदगी से चली गई हो, ठीक है उसकी मदर तो उसकी जिंदगी से चली गई, परंतु जो पावर वो छोड़ के गई है ना अपनी माँ की, मतलब उसकी माँ की यादें, उसकी माँ का प्यार जो उसके साथ में है, वो हमेशा उसको क्या करता है, सूत करता है, उसको आराम देता है, क्या करता है, उसको आराम देता है, तो वो आराम देता है ना उसकी माँ का प्यार, वो हमेशा उसके साथ में, मतलब टाइम उसे नहीं छीन पाया है, टाइम ने भले उसकी माँ को छीन लिया परंतु उस प्यार को, उस आराम देने वाली शक्ति को नहीं छीन पाया जो उसकी माँ आज भी उनके ऊपर मतलब असर डालती है, पोएट के ऊपर जब भी अपनी माँ को याद करता है तो उसको सुकून मिलता है। तो बोलता है टाइम सक्सेसफुल तो हुआ अपनी चोरी में, उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया पर वो आधा ही सक्सेसफुल हुआ, वो मेरी माँ के प्यार को, मेरी माँ के असर को मुझ पे नहीं, मुझसे नहीं छीन पाया, आज भी मेरी माँ का इफेक्ट मेरे ऊपर उतना ही है जितना बचपन में था, तो उस चीज़ के लिए वो मतलब एक तरह से खुश भी है राइटर। तो देखो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है, तो इसमें आपने देखा ये लास्ट का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा पोर्शन है, मतलब इसमें एक बहुत कई मेजेस क्रिएट हो रही हैं, कई चीज़ों को पोइट ने बहुत मतलब फोर्सफुली कहा है, पोइट ये बात कहता है कि टाइम फॉर मतलब एक उस तरह का मतलब चीज़ है, मतलब जो आपसे चीज़ें छीन लेता है, परंतु उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया परंतु वो मेरी माँ के प्यार को, मेरी माँ के यादों को मुझसे नहीं छीन सका आज भी, और जो ये फोटो आ गई है मेरे पास इसके बाद तो मतलब संभव ही नहीं है, मैं बार बार मेरी माँ की कल्पना करके उन बात बार बार मैं उन मतलब मेरे जो लम्हे हैं पास्ट के, मेरे बचपन के जो टाइम है उनको मैं वापस से याद कर सकता हूँ और मैं वापस से जी सकता हूँ, तो टाइम कभी भी मुझसे उन चीज़ों को नहीं छीन पाएगा, बात वही है। तो एक तरह से जो आर्ट है, आर्ट में आर्ट का फॉर्म क्या है यहाँ पे, वो पेंटिंग या फिर वो तस्वीर पिक्चर है ना, वो पिक्चर जो है ना वो आर्ट का फॉर्म है, तो आर्ट जो है ना, आर्ट क्या करती है, इंसान को इमोर्टल करने में मदद करती है, तो उस आर्ट ने एक्चुअली इसकी माँ को इमोर्टल कर दिया है, किसको इमोर्टल किया है, मदर को, मदर को इमोर्टल कर दिया है, तो इस तरीके से टाइम को डिफीट मिली है, टाइम को क्या मिली है, डिफीट मिली है यानी हार मिली है आर्ट के सामने, ठीक है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी, मैंने एक एक लाइन को ढंग से समझाने की कोशिश की आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, जब आप इसको पढ़ेंगे खुद अब आपको इजीली समझ में आएगी पोएम। तो इस तरह की हमारी पोएम थी, कंप्लीट हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग कोई नोट्स बन पाएंगे या कुछ थीम्स वगैरह आपको समझानी होंगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, है ना, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, उसके बीच में और वीडियोस भी आ सकती हैं दूसरी पोइट्री के एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग या फिर कोई दूसरे ऐसे या स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ भी आ सकता है बीच में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन।